वो भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो मैं ऑलमोस्ट आई वुड से 7 मंथ्स से यूज कर रहा हूँ. इट इज़ वेरी हेल्पफुल राइट. बट अगेन ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन मेरा है बिकॉज आई जस्ट लाइक हैविंग गुड हेयर. सो टुडे इज 30th April एंड आई हैव डिसाइडेड टू गेट माई हेयर ट्रांसप्लांट डन ऑन 16th of May. सो दिस इज माई करंट कंडीशन एज यू कैन सी. I think right now I'm not bothered much about how I am looking, how my hair are looking. Definitely they look like a mess. Though I have hair, but again, I cannot style them according to my convenience. And I just don't feel good. I wear cap all the time. But अभी देखो मैं सैलॉन गया and सैलॉन में ना जाने से मुझे हमेशा 2 सालों से डर लग रहा है because सैलॉन की lights में जाके ना वहाँ पे दिखता है तुम्हारा स्कैल्प जब वो बाल गीले करते हैं एंड जब तुम देखते हो अपने को यू फील लाइक यार तुम्हारे बाल कहाँ से कहाँ आ गए, तुम्हारी लुक्स को क्या हो गया राइट. तो वो मेरे को भागना बहुत आसान लगता था बिकॉज मैं हमेशा सैलॉन जाता था ना बीच में, तो मैं कहता था भैया बाल गीले मत करो ऐसे ही काटो, मुझे पानी से थोड़ा एलर्जी है बाहर के. बट अगेन आई वुड से आई हैव कम अ लॉन्ग वे. अभी आई कैन क्लियरली शो ऑफ दिस बिकॉज आई एम नॉट रियली मच हाइडिंग इट नाउ बिकॉज मैंने यही सोचा था 2 साल पहले भी कि आज मैं अपने बालों की ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ. बट अगेन फ्यूचर में अगर मेरा काम मेरे साथ होगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, तो आई विल बी इन अ सिचुएशन टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन. एंड यू नो आई एम ग्रेटफुल कि मैंने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया, जा रहे थे तो जाने दिया, कैप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया एंड ओपन रहा. कोई कहता था जा रहे तो मैं कहता हाँ जा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है. अभी आप देखोगे कई एंगल्स में नहीं पता लगता कि मतलब बाल जा रहे हैं, स्पेशली कैमरा पे इतना नहीं पता लगता. इफ़ आई कैन स्टाइल इट माय वे तो सामने वाले को नहीं पता लगता कि इसको कोई हेयर की प्रॉब्लम भी है. ऑफकोर्स जो लोग मुझे जानते हैं शुरू से उनको पता मेरे बाल पहले कितने थिक होते थे एज यू कैन सी हेयर. एंड नाउ इफ यू कैन सी द स्कैल्प इज क्लियरली विजिबल. मेरे टेम्पल्स काफ़ी पीछे चले गए हैं एंड अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो मैं क्लियरली अभी लाइटनिंग के कारण इतना ही पता लग रहा, बट जब बाल मेरे गीले होते हैं तो पूरा स्कैल्प यहाँ से विजिबल होता है. और ये क्वालिटी ऑफ हेयर भी इट्स वेरी शिट, लाइक वेरी थिन आई वुड से. अभी मैं बॉम्बे में हूँ बट जब से मैं आया हूँ तब से मैं सिर्फ कैप लगा के घूम रहा हूँ. वाई? बिकॉज एक तो सिटी चेंज होती है ना सबसे पहले अगर किसी के थिन हेयर है. आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट विद मी. कोई भी आप लोकेशन चेंज करोगे आपको भी अपने बाल फ्रिजी लगने लग जाएंगे राइट. तो सेम विद मी, जब भी मैं कहीं बाहर आता हूँ स्पेशली मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे आगे मुझे बाल सेट करने में इतनी प्रॉब्लम आती है, फिजी रहेंगे हमेशा. आई ट्राई इट आउट विद ड्रायर एंड एवरीथिंग बट नहीं बन पाती बात. सो इस ट्रिप में तो पूरा आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक भी बारी भी अभी बाल सेट करके बाहर नहीं घूमा. बट रात को जाना है मैंने डिनर पे एंड होपफुली मुझे शर्ट डालनी है, मुझे कैप ना डालनी पड़े. मेरे पास हेयर फाइबर्स हैं, आई विल ऑल्सो शो यू हेयर फाइबर के बाद ये चीज़ कितनी बेटर लगती है. वो भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो मैं ऑलमोस्ट आई वुड से 7 मंथ्स से यूज़ कर रहा हूँ. इट इज़ वेरी हेल्पफुल राइट. बट अगेन ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन मेरा है बिकॉज आई जस्ट लाइक हैविंग गुड हेयर ऑन माई हेड. पर्सनली बचपन से मुझे काफ़ी पसंद होते थे लंबे बाल रखना, थिक बाल होना. आई यूज़ टू पीपल यूज़ टू कॉम्प्लीमेंट मी यार तेरे बाल कितने थिक है, आई थिंक नज़र लग गई. बट या आई थिंक ये मेरा पर्सनल डिसीजन है. रहने को मैं इसमें अभी हेयर फाइबर डालूंगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि मेरा स्कैल्प विजिबल है यहाँ से. बट अगेन दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्ट टू डू. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मुझे इसका हवा नहीं बनाना. आई वॉन्ट मैन टू टॉक अबाउट हेयर लॉस ओपनली राइट. सोल्यूशन मैं सारे आपको बताऊंगा मैंने लास्ट 2-3 सालों में क्या चीज़ें ट्राई की हैं अपना स्कैल्प छुपाने के लिए या अपने स्कैल्प हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाली वीडियोस में. बट अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो, आई डोंट नो कि मुझे कैसे इसको आगे लेके जाना है. बट यस, दिस इज हाउ आई एम स्टार्टिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज अगेन.